वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बहुत चर्चित उत्तराखंड के आरओ एआरओ के परीक्षा के बारे में, कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, कितने मार्क्स आपको एटलीस्ट लाने चाहिए ताकि एक अच्छा जो है कॉम्पिटिशन में आप रहें और यानी कि प्री आप जो है क्वालिफाई कर जाएँ, और कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, पूरी डिटेल इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो मेरे साथ अब तक बने रहिएगा, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें परीक्षा के सिलेबस के बारे में, यानी कि जो मेन है, यानी कि जो पहली सीढ़ी है प्री, उसको क्वालिफाई करने के लिए आपको सामान्य अध्ययन और सामान्य बुद्धि परीक्षण, जहाँ पर कि सामान्य अध्ययन जो 100 मार्क्स का होगा और जो सामान्य बुद्धि परीक्षण है वो 50 नंबर का, यानी कि कुल 150 मार्क्स के पेपर होंगे, 150 क्वेश्चन है, 2 घंटे का यहाँ पर पूरा सा वक्त आपको देना है। तो यहाँ पर हम मुख्य परीक्षा के बारे में डिटेल में बाद में चर्चा करेंगे जब मुख्य परीक्षा की बात आएगी, लेकिन अभी शॉर्ट बता देते हैं। सामान्य अध्ययन हिंदी संरचना और निबंध रहेगा यहाँ पर 400 नंबर का, और उसके अलावा यहाँ पर जो होने वाला है जो प्रयोगात्मक परीक्षा है जिसमें आपको कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान होना चाहिए 100 नंबर, ठीक है, टंकण परीक्षा। चलिए अब हम डिटेल में बात करेंगे यहाँ पर सामान्य अध्ययन और बुद्धि परीक्षण, यानी कि जो कुल मिला के मेन पार्ट होने वाला हमारा पहला, यानी कि जो आप देख सकते हैं मैंने आपको बताया कि सामान्य अध्ययन और उसके अलावा जो सामान्य बुद्धि परीक्षण है। अगर हम बात करें सामान्य अध्ययन के, तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है 10 अलग अलग चरणों में इसको बांटा गया है, ठीक है। बुक्स के बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो में कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सामान्य अध्ययन के जो पहला पार्ट है जिसमें आपको सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर से संबंधित आधारभूत यहाँ पर जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पर क्या क्या आएगा आप देख सकते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड ये है, और कंप्यूटर से रिलेटेड एक बुक को मैंने आपको सजेस्ट किया है, वो आपको हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में भी मिल जाएगा, हमने अपने कम्युनिटी में भी पोस्ट किया है, काफ़ी अच्छी वो बुक है, ठीक है। चलिए आपको बुक से यहाँ से ऑलमोस्टली आप देख सकते हैं कि 10 अलग अलग भागों में बांटा गया है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर पॉइंट्स भी जो है डिसाइड होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं सामाजिक आर्थिक संस्कृति तमाम जो मेन पॉइंट्स हैं उनके बारे में यहाँ पर जो है चर्चा की गई है। अगला जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था है, यहाँ पर भारत की राज्य व्यवस्था, उसकी अर्थव्यवस्था, पंचायती राज, संविधान, भारतीय व्यवस्था, अलग अलग बारे में यहाँ पर जो है बातचीत की गई है। और अगला जो है आप देख सकते हैं भारत का भौगोलिक एवं जनसांख्यिकी के बारे में यहाँ पर बात हुई है, उसके अलावा समसामयिक घटनाएं जो 5वां पॉइंट है, 6वां पॉइंट जो सबसे महत्वपूर्ण है जो कवर किया गया है वो है उत्तराखंड का इतिहास। तो आप देख सकते हैं पृष्ठभूमि प्राचीन काल से यहाँ पर आरंभ हुआ है, ठीक है, गोरखा की उपलब्धियाँ, आक्रमण, ब्रिटिश शासन, टिहरी जो राजवंश थे उनकी उपलब्धियाँ, गोरखा आक्रमण, तमाम यहाँ पर। उसके बाद 7वें पॉइंट में आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड की संस्कृति, जातियाँ, जनजातियाँ, धर्म, यहाँ पर नृत्य, गायन, वाद्य यंत्र, जो पर्यटन स्थल है, महत्वपूर्ण खेल, सभी पॉइंट्स को यहाँ पर कवर किया गया है। उसके अलावा 8वें पॉइंट में आप देख सकते हैं उत्तराखंड के भौगोलिक एवं जनजानकी जो है स्थिति को यहाँ पर, यानी कि उत्तराखंड हिमालय की प्रमुख विशेषताएं, रिवर्स और जलवायु, वन संसाधन, बागवानी, तमाम चीज़ों को यहाँ पर जो है कवर करने की कोशिश की गई। उसके अलावा उत्तराखंड के 9 पॉइंट में उत्तराखंड की आर्थिक, राजनीति और परिवेश, प्रशासनिक व्यवस्था, आर्थिक परिवेश, इसमें जो है मेनली फोकस हुआ है। और उसके अलावा 10वें पॉइंट में आर्थिक एवं जो अपन नेचुरल रिसोर्सेज हैं, खनिज हैं, पर्यटन हैं, उद्योग हैं, जल, वन, जड़ी बूटी, कृषि, तमाम इन चीज़ों को यहाँ पर जो है उठाया गया। उसके अलावा यहाँ पर उत्तराखंड में गरीबी, बेरोजगारी, उन्मूलन, आर्थिक उतार, उसकी GDP, तमाम ऐसे पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर जो है उठाए गए हैं, ठीक है। उसके अलावा इन 100 नंबरों में जो है आपको ये सारी चीज़ कवर करनी है। अगर ये अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो इसमें एटलीस्ट एनी हाउ आपको 100 में से कम 70 प्लस तो स्कोर करने पड़ेंगे, मिनिमम जितने भी हो सकते हैं, ठीक है, बाकी आप अपने हिसाब से इसको जनरल के अनुसार अपना जो है कैटेगराइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो आता है सामान्य बुद्धि परीक्षण, तमाम आप देखें एक ही पॉइंट्स में इसको इसने सब समझा दिया है, समस्या, समाधान, विश्लेषण, तमाम जितने भी पॉइंट्स हैं मैथ्स रिलेटेड और तमाम ऐसे जो थोड़े बहुत यहाँ रीजनिंग्स
से भी हैं, अंगणितीय सांख्यिक हैं, और जो सीरीजेस हैं तमाम जो है इसके लिए भी हमने एक जो स्पेशल बुक्स है वो भी हमने सारे इन बुक्स को हमने अपने अगर आप ऑनलाइन बाय करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हमने इनका लिंक टेलीग्राम के ग्रुप में भी दे कर रखा है और उसके अलावा हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इनका लिंक दे कर रखा है, वहाँ से आप डायरेक्टली इनको बाय कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 50 नंबर यहाँ से आपका आना है। तो यह ऑलमोस्टली जैसे मैंने आपको बताया सामान्य अध्ययन से अगर आप 70 नंबर स्कोर कर जाते हैं, यहाँ से मिल जाए अगर 45 प्लस कि मैं बात करूंगा, हालांकि काफ़ी टफ है, लेकिन अगर आप 40 भी यहां पर स्कोर कर जाते हैं तो सीधे सीधे आपके 110 बनते हैं। यानी कि जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि अगर आप पहले पेपर से यानी कि सामान्य अध्ययन से 70 और दूसरे वाले पेपर से 70 अगर आप कर ले जाते हैं, यानी कि कुल मिला के अगर आपका स्कोर 110 के अराउंड होता है तो काफ़ी अच्छा आप यहाँ पर जो है गेम खेल सकते हैं और अगले इनिंग के लिए यानी कि मेंस के लिए जो है क्वालिफाई कर सकते हैं। बाकी इसमें आप अपने अनुसार अगर 5-10 नंबर ज़्यादा ही स्कोर करेंगे तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर, ये रहा ठीक है। अब हम अगर बात करें इसका जो डिटेल सिलेबस है आप देख सकते हैं ये इंग्लिश में दिया हुआ है, तो इसको आप जो है अच्छे से यहाँ पर स्टडी कर लीजिएगा, ये इंग्लिश में दिया हुआ है। चलिए अब बात करते हैं कि किस बुक से आपको क्या क्या यहाँ पर पढ़ना चाहिए, वो जो है मेन इम्पॉर्टेंट बात है। अगर हम सबसे पहले बात करें उत्तराखंड की, ठीक है, जो कि इसमें मेन चीज़ें रहने वाली हैं, जिसमें आपकी जो बुक होगी सबसे महत्वपूर्ण वो होगी आपकी परीक्षा वाणी, जो आपको बिल्कुल चार्ट जानी है, ठीक है, परीक्षा वाणी ही चार्ट जानी है। उसके अलावा आप इसमें अजय रावत भी ले सकते हैं, और भी उसके अलावा इसमें आप पिंसर भी ले सकते हैं, उसके अलावा करंट अफेयर्स एक आती है आजकल जो काफ़ी अच्छी चली, ग्रीन टर्न्स, ठीक है, वो इसमें आप जो है अडॉप्ट कर सकते हैं, वो इसमें जो है काफ़ी अच्छी चल रही है, ठीक है। उसके अलावा और भी जो बुकें हैं जिनमें तमाम और चीज़ें इंक्लूड होती हैं इसमें, उत्तराखंड के अलावा भी जो ऊपर के जो टॉपिक्स हैं वो भी इसमें जो है आ सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले जो टॉपिक है, यानी कि मैथ्स में अगर हम बात करें मैथ्स के अध्ययन के लिए, तो नॉर्मली अगर आप आरएस अग्रवाल को ले लें तो ये जो है बेनिफिशियल है सांख्यिक अभियोगिता के लिए, ठीक है। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपको किरण की जो बुक है, ठीक है, एसएससी की जो अगर आप प्रीवियस ईयर के जो सेटअप लगा लेंगे, यानी कि किरण की कोई भी आप बुक ले लो रीजनिंग स्टैंडर्ड की, इसी मैथ स्टैंडर्ड की, वो आप इसको आप जो है उसकी जो है अध्ययन कर सकते हैं। अगर आप हम जीएस की बात करें तो जीएस में मेनली बहुत सारे हैं, इसमें आप घटना चक्र भी उसमें जोड़ सकते हैं, उसमें उसके अलावा दृष्टि जो आती है, दृष्टि की जो एक पीडीएफ आती है जो हर मंथ आती है, उसको आप स्टडी करें, उसकी आप चाहें तो उसकी बुक भी ले सकते हैं, लेकिन मेनली मैं सजेस्ट करूंगा कि बुक लीजिए, क्योंकि बुक में क्या होता है जब आदमी बुक पढ़ता है, हालांकि हम डिजिटल में हैं तो हम पीडीएफ वगैरह काफ़ी इजीली आजकल मिल जाते हैं, बट जो इम्पैक्ट बुक्स का होता है ना, जब आदमी बैठता है और अपने बुक्स को स्टडी करता है, पेन उसके हाथ में होता है, अंडरलाइन करता है मेन इंपॉर्टेंट, तो वो मतलब जो इंथुजियाज्म होता है, वो एक जो फीलिंग आती है ना स्टडी करने की, डीप स्टडी करने की, वो पीडीएफ्स में नहीं नज़र आती है, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा। उसके अलावा परीक्षा मंथन जो है जो कंबाइंड आती है वो भी आप इसको ले सकते हैं, ठीक है, ये रही। और कंप्यूटर के लिए जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया लूसेंट की बहुत अच्छी बुक आती है, और उसकी पीडीएफ भी मैंने अपने टेलीग्राम के शेयर में की है, पहाड़ी नौकरी 2.0 में, ठीक है, उसको भी ले सकते हैं। उसके अलावा परीक्षा मंथन एक आती है, राइटर का नाम मैं भूल रहा हूँ, काफ़ी अच्छे हैं, विनय कुमार ओझा करके हैं, उनकी बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है, आप या तो परीक्षा मंथन ले लीजिए या तो लूसेंट ले लीजिए, दोनों काम करेगा आपके लिए। और इतिहास और भूगोल के लिए मैंने जैसे आपको बताया कि आप जो है परीक्षा मंथन और दृष्टि को अपना लीजिए, बहुत है उसमें आपके काफ़ी सारे पॉइंट्स जो ऊपर के हैं जीएस के वो कवर हो जाएंगे, यानी कि आपका जो है उसमें इतिहास भी आपका कवर हो जाएगा, उसमें आपका भूगोल भी कवर हो जाएगा, उसमें आपका जो है
पॉलिटिकल साइंस भी हो जाएगा, उसमें इको साइंस भी हो जाएगा। तो तमाम ऐसी चीज़ें इसमें परीक्षा मंथन में या फिर आपकी दृष्टि में है। और उसके अलावा मैं आपसे को यही सजेस्ट करूँगा कि आप कोशिश करिएगा एक से दो बुक के अंदर ही काफ़ी बेस्ट जो निचोड़ है उसमें ग्रहण करें। अगर आप अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप स्वाभाविक से बात है किसी कोचिंग का हेल्प ले ही रहे होंगे, बाकी अगर आप पहले से ही प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपको बस अपनी जो तैयारी है उसको और धार देना बाकी है। बाकी जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बता दिया, सभी बुक्स की जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमने अपने टेलीग्राम के ग्रुप में लिंक शेयर की है, तो वहाँ से आप इनको इजीली बाय कर सकते हैं। बाकी कोई और भी बुक आएगी जो काफ़ी अच्छी रहेगी तो वो भी मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, या फिर कम्युनिटी में शेयर कर दूंगा, या फिर इंस्टाग्राम पे स्टोरीज में शेयर कर दूंगा। तो आप चाहें तो हमें इन अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।